हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नंदिनी किंड्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिरसा से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने विवादित बयान दिया है। तंवर ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि हरियाणा का एक मंत्री पागल है, वो मंत्री अब और पागल हो गया है। वहीं तंवर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि योग दिवस के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समारोह के नाम पर व्यर्थ में करोड़ों रुपए जाया किए जा रहे हैं। योग दिवस की बजाय देश में हेल्थ सिस्टम सुधारने की जरूरत है। बीजेपी के एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे को भी उन्होंने अव्यवहारिक बताया। पार्टी संगठन को लेकर उठ रहे सवालों पर अशोक तंवर ने कहा कि चुनाव हारने वाले लोग ही संगठन की बात उठाते हैं। वहीं फरीदाबाद में पोस्टर पर खुद के सीएम लिखे जाने पर तंवर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। जो पागल मंत्री है एक, उसका भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं कहूंगा, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट इसलिए दिया गया था कि वो अपना इलाज करवाए सबसे पहले। लेकिन 5 साल बीतने वाले, पागल मंत्री और ज्यादा पागल हो गया है। तो अब की बार 80 पार और बीजेपी पार। तो वो तो मैं सबको कहता हूं कि भाई भावना अच्छी है सब लोगों की, सब अपने अपने और लीडर्स के भी वो करते हैं, लेकिन अब इन चीजों को छोड़ देना चाहिए हम सब साथियों। अब हमें केवल ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हम बारीकी से जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर काम करें, जो हमारी और कमियां उसको दुरुस्त करें। और पहले हम अपने 80 पार करें, विधायक 80 से ज्यादा विधायक जीत करके आए, और जो योग करते हैं और योग का जो फायदा लेते हैं उन सबको बधाई, और जो योग पर राजनीति करते हैं और जिनके 56 इंच के पेट हो चुके हैं, योग का जिनके ऊपर कोई असर नहीं, योग के बजाय जो भोग में विश्वास करते हैं, उनका मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता क्या असर करेगी ये तो समय बताएगा। ये तो जो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जो आरोप लगाते हैं उन्हीं की वजह से ये ब्लॉक और जिलाध्यक्ष आज तक नहीं बने। अगर वो चाहते मदद करते तो मैं समझता हूं अभी तक तो जिला और ब्लॉक नहीं, जमीन पर और नीचे तक संगठन होता। अमित, मंत्री अनिल विज को लेकर अशोक तंवर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते यहां शायद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक इतने बड़े पद पर आसीन नेता के मुंह पर अच्छे नहीं लगते शायद। अमित जी, बिल्कुल नंदनी, आपका कहना दुरुस्त है कि यह जो प्रदेशाध्यक्ष है अशोक तंवर, इनके ये बिगड़े बोल हैं और जो किसी भी लिहाज से इन्हें सही नहीं कहा जा सकता, विवादित बोल है, और सीधे सीधे जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन पर ही है टिप्पणी की गई है और उन्हें पागल मंत्री करार दिया गया है। और साथ ही यह कहा गया है कि उनको जब 2014 में जब भाजपा सरकार सत्तासीन हुई थी तब उन्हें जो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था उसका उद्देश्य यह था कि अनिल विज का जो है उपचार वहां हो सके, लेकिन अब उपचार की बजाय जो है उनका स्वास्थ्य, यानी कि उनका पागलपन और बढ़ गया है और वे और भी पागल हो गए हैं। तो इस प्रकार का जो विवादित बयान जो है आज सिरसा में अशोक तंवर ने दिया है, देखने वाली बात होगी कि भाजपा और जो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, वे क्या टिप्पणी इस मामले को लेकर करते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम मंत्री अनिल विज की बात करें तो उनके भी बयान अधिकतर विवादित ही रहते हैं, लेकिन नेताओं से यही उम्मीद करेंगे कि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में जो एक्शन रिएक्शन चलता है इसमें इन्हें सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच फिर संदेश गलत जाता है कि जब नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं। जी बिल्कुल नंदिनी, आपकी बात दुरुस्त है कि इस प्रकार के बयान देना कहीं ना कहीं जो है ओछी राजनीति का परिचायक बन जाता है। पहले भी अगर अशोक तंवर की बात करें तो चुनाव के बाद जब ईवीएम की बात आई थी तब उन ईवीएम को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी काफी निंदा हुई थी। तो इस प्रकार से बयान चाहे अनिल विज की ओर से दिए जाए या अशोक तंवर की ओर से दिए जाए या किसी भी अन्य राजनीतिक व्यक्ति की तरफ से दिए जाए, बयान सोच समझ के दिए जाने चाहिए कि जनता जो है उन पर सीधा सीधा इन बयानों का असर होता है, वो जनता इन्हें देख रही थी। चलिए, शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए और बताने के लिए कि अशोक तंवर ने सिरसा में क्या बयानबाजी की,
उन्होंने वहां पर अनिल विज को लेकर बयान दिया और जो बयान उन्होंने दिया वो एक नेता के मुंह पर शोभा नहीं देता है। और ऐसे में फिर चाहे अनिल विज हो चाहे अशोक तंवर हो, किसी भी नेता को सीमाएं लांघने वाले बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और हमारे साथ बीजेपी की नेता वंदना पोपली जी जुड़ी हैं। वंदना जी, स्वागत आपका। अशोक तंवर का बयान वंदना जी आपने सुना जी, क्या रिएक्शन देंगी? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में जो है बयान जब दिए जाते हैं तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए जी। इस तरह के बयान जो है मुझे लगता है कि एक अपनी जो हद है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है। और एक आप एक नेता के लिए बोल रहे हैं, एक विचारधारा के लिए बोलिए, राजनीतिक बयान हो सकता है, लेकिन इस तरह का जो बयान है मुझे लगता है कि पूरी राजनीतिक मर्यादा को खत्म करता है जी। और जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको तो और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के वो बयान दे रहे हैं। हमारे सरकार में सम्माननीय मंत्री हैं जी, अनिल विज जी, तो मेरी तुमसे ये सलाह है कि वो अगर किसी के लिए भी कुछ कहें तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। जी बिल्कुल वंदना जी, और ये जो एक नियम है और ये जो हम उम्मीद करते हैं, चाहे हम बीजेपी के नेता हों चाहे हम कांग्रेस के नेता हों, सभी नेताओं से यही उम्मीद करते हैं कि आप बयानबाजी करें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में आप पर्सनल होकर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। अनिल विज को लेकर अशोक तंवर ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन अनिल विज भी खुद कई बार इस तरह के विवादों में फंसते हैं जब वो विवादित बयान देते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह के नियम जो है वो हर पार्टी के नेता पर लागू होने चाहिए? देखिए, शालीनता में रहकर बात करनी चाहिए, इस चीज से मैं एग्री करती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, और इस चीज आपकी बात को मैं मानती हूँ। चलिए, शुक्रिया आपका वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे बीजेपी की प्रवक्ता जिन्होंने अशोक तंवर को लेकर कहा कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। अनिल विज को लेकर अशोक तंवर जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक नेता पागल है और वो और पागल हो गया है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया ताकि वो अपना इलाज करा सकें लेकिन वो नहीं करा पाए। ये बात सिरसा में अशोक तंवर ने अनिल विज के लिए कही है।